दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। कई खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के आयोजन को रोकने का फैसला किया है। इससे पहले केकेआर टीम के दो खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाले मुकाबले को रद्द कर दिया गया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि इनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ गई थी। मंगलवार दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा और सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साह कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद आईपीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया। कई बीसीसीआई अधिकारियों और फ्रेंचाइजियों ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है। डेली लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों मौतें भी रोजाना हो रही हैं। आईपीएल भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना की वजह से कई ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर पहले ही वापस लौट गए थे। एडम जंपा और केन रिचर्डसन जैसे प्लेयर्स ने कोरोना वायरस की वजह से वापस ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला किया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बीच सीजन से ही ब्रेक ले लिया था। उनकी फैमिली में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना वायरस की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में नहीं खेलना चाहती थी और इस मैच को पोस्टपोन करने की मांग की गई थी। हालांकि अब बीसीसीआई ने पूरे आईपीएल को ही कैंसिल कर दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या बीसीसीआई ने यह फैसला सही लिया है या फिर गलत लिया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।